लॉगरिदम टॉपिक स्टूडेंट्स को काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, और वैसे ये टॉपिक है भी थोड़ा सा अलग, लेकिन हर एक साल कैट एग्जाम में लॉगरिदम टॉपिक के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए हैं प्रीवियस ईयर कैट पेपर से, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या आप जानते हो ये टॉपिक को आप सिर्फ एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये टॉपिक को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं सारे आपको लॉज ऑफ लॉगरिदम बताऊंगा जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे, और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल भी लेंगे। इसके बाद में मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये दो वीडियो आपने कर लिए, आपका लॉगरिदम हो गया खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉगरिदम से। जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या है इस टॉपिक का बैकग्राउंड, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने आपकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल बना दी। दोस्तों जॉन नेपियर करके मैथमेटिशियन था जिसने लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस किया था। पुराने जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं होते थे तो हाई पावर कैलकुलेशन करने के लिए लॉगरिदम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर मुझे 2:30 को 3:15 से डिवाइड करना है, रिजल्ट क्या आएगा ये पता करना है, तो इसके लिए आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करने जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नॉर्मल डिवीजन से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉगरिदम का यूज़ होने लगा। दोस्तों हमने लॉगरिदम का ओरिजिन तो समझ लिया, अब जल्दी से ये समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल नंबर को लॉगरिदम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वाइसे वर्सा कैसे करते। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 2:5, हम सबको पता है कि 2:5 32 है, तो अगर आपको इसको लॉग फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि लॉग ऑफ दिस नंबर 32 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब अगर आप देखोगे यहां पे 5 2 की पावर में थी तो वो यहां पे आ जाएगा, राइट। सो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है लॉगरिदम का। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे 2:5 इक्वल टू 32 हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर लॉग फॉर्म के नंबर को हम ऐसे वापस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉगरिदम टॉपिक को आसानी से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। तो कौन से एरिया के, कौन से टॉपिक के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो मेरा बेसिक्स ऑफ मैथ्स का वीडियो भी देख सकते हो। सिमिलरली आपको नंबर सिस्टम का बेसिक पता होना चाहिए, जैसे नंबर लाइन, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में है एल्जीब्राइक इक्वेशंस पार्ट, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये एरिया के बेसिक्स पता है आप सीधा लॉगरिदम को शुरू कर सकते हो, और जैसा मैंने आपको बताया था आप एक दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू दैट दिस ऑफर ऑफ 20% फ्लैट डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, इट इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, सो गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन टुडे यूजिंग माय कोड chart10। अब हमें लॉज ऑफ लॉगरिदम समझने हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो आप याद रख लोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन उसी में से कुछ रूल को अप्लाई करके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो लॉगरिदम हम यूज करते हैं वो कॉमन लॉगरिदम है, मतलब अगर बेस में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो वो बेस को आप 10 अज्यूम कर लोगे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर एंड लॉग ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये दोनों चीजें डिफाइंड नहीं है, आप हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लेते हो, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि लॉग ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस इज 1। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 2:1 इज इक्वल टू 2, तो इसीलिए ये रूल आया कि लॉग ऑफ 2 विद दिस बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये काफी आसान हो जाएगा, अगर आपने सर्ज इंडाइसिस समझा हुआ है तो ये आप बड़ी आसानी से कह सकते हो। तो ये जो तीन पॉइंट थे ये आपको ध्यान में रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिदम से, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रख लेने और उसी को सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो रूल है, पहला जो लॉ है लॉगरिदम का, तो वो ये कहता है कि लॉग ऑफ b:n विथ बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ b विथ बेस a, मतलब ये जो आपका नंबर है और ये आपका बेस है तो ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में ले आनी है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ 4 विथ बेस 3, सो दिस कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ 2 स्क्वायर विथ बेस 3। अब ये जो 2 है उसको आप आगे मल्टीप्लीकेशन में ले आओगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 2 विथ बेस 3। तो काफी आसानी से आपने ये रूल को समझ लिया होगा।
चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। द सेकेंड रूल सेज दैट के लॉग ऑफ बी रिज टू एम विथ बेस ए रिज टू एन, यहां पे जो बेस में नंबर है उसकी भी पावर है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन आप ऐसे करोगे m बाई एन लॉग ऑफ बी विथ बेस ए। वंस अगेन इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं लॉग ऑफ 4 विथ बेस 9, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 स्क्वायर विथ बेस 3 स्क्वायर। अब ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और ये जो पावर है वो आगे डिवीजन में आ जाएगी, तो आपको मिलेगा 2 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2 विथ बेस 3। सो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा लॉग ऑफ 2 विथ बेस 3। सो आप सबने ये रूल को अच्छे से समझ लिया होगा। सो द थर्ड रूल सेज दैट log of x into y with base a is equal to log of x with base a plus log of y with base a। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं log of 6 with base 2, so this can be written as log of 2 into 3 with base 2, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं log of 2 with base 2 प्लस log of 3 विथ बेस 2। अब log of 2 विथ बेस 2 तो आपको पता है 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस log of 3 विथ बेस 2। तो आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब भी दो नंबर प्रोडक्ट में है उसका आपने log लिखा हुआ है तो आप उसको सेपरेटली प्लस के टर्म में लिख सकते हो। पर याद रखना, ये गलती मत करना कि log of x प्लस y इज इक्वल टू log of x इंटू log of y, ऐसा कुछ मत कर देना, राइट? तो दिस इज नॉट द रूल, राइट? चल तो अब हम देखते हैं चौथा नंबर का रूल इसका। सो द फोर्थ रूल सेज दैट log of x डिवाइड बाई y इज इक्वल log of x माइनस log of y। जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं log of 6 विथ बेस 2, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log of 12 बाई 2 विथ बेस 2, 6 को हम 12 बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा log of 12 विथ बेस 2 माइनस log of 2 विथ बेस 2। अब log of 2 विथ बेस 2 क्या हो जाएगा, 1, ये तो आपको पता है, तो फाइनल रिजल्ट आप लिख सकते हो log of 12 विथ बेस 2 माइनस 1। तो आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है। सो आई एम श्योर अभी आपको ये क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहे होंगे, है ना? इनफैक्ट सम ऑफ यू माइट बी जंपिंग थ्रू जॉय ऑल्सो, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? और लॉगरिथम एक्चुअली वेरी सिंपल टॉपिक है, आप इसको टैकल कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना होगा। चलिए तो आगे का रूल देखते हैं, रूल नंबर 5, विच सेज दैट log of b with base a इज इक्वल टू 1 अपॉन log of a विद बेस b। अगर आप लॉगरिथम एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल लेते हो तो बेस एंड नंबर अपना पोजिशन इंटरचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल log of 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन log of 2 विथ बेस 3, काफी आसान है, ठीक है? अब ये जो सारे छोटे छोटे रूल्स हम देख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन लेंगे तो हमें इसमें से ही कुछ रूल को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा, और इसीलिए आपको ये रूल्स याद रखने जरूरी है, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम याद रखने जरूरी है, ठीक है? तो इसी का एक और रूल है कि log of b by a is equal to log of b with base p upon log of a with base p। इसका एक एग्जांपल देता हूं, log of 3 with base 2 is equal to log of 3 upon log of 2। अब आप कहोगे कि सर आपने कुछ बेस तो लिखा नहीं, यहाँ पे तो कुछ p बताया हुआ है। अरे दोस्तों, हमने अगर कोई बेस नहीं लिखा है तो हम 10 भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको 10 की जगह पे यहाँ पे दोनों में बेस 12 रखना है तो आप 12 भी ले सकते हो, पर दोनों में बेस सेम रखना है, तो आप इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट भी कर सकते हो। सो आई होप दिस रूल इज क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, और ये बहुत ही रेयरली यूज होता है कैट में। अभी रिसेंटली 4-5 साल में एक बार इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया है, तो सेफर साइड पे आप इसको भी याद रख सकते हो। अब ये रूल कहता है कि अगर लॉगरिथम आपका कोई नंबर के पावर में है और लॉगरिथम का बेस और नंबर सेम है तो आपका रिजल्ट सीधे सीधे ये आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एग्जाम्पल से समझ लेते इसको। अगर मैं कहता हूँ 2 रेज टू लॉग ऑफ 3 विथ बेस 2, तो ये दोनों सेम हो गए तो सीधा आप यहाँ पर रिजल्ट 3 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम याद रखने थे। एक बार आप चाहो तो इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो, एक चीट शीट बना सकते हो और इसको 2-3 दिन रिवाइज करो, आराम से याद रह जाएगा। हालांकि आप एक दिन में भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है? चलिए तो अभी हम कुछ कैट के क्वेश्चन देखते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि यस, वी कैन ऑल्सो सॉल्व लॉगरिथम क्वेश्चंस। तो यहां पे है पहला क्वेश्चन,
quickly go through the question. If you want, you can pause the video over here and you can try this question by your own, और फिर आप मेरे solution को देख सकते हो. तो question क्या कह रहा है कि arrange the following in ascending order. ठीक है, हमें इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, मतलब पहले सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा, एंड सो एंड सो फोर्थ. अब हमें जो पहला टर्म दिया हुआ है, पहला नंबर दिया है ए, इट इज लॉग ऑफ 2401 विथ बेस 7. दोस्तों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 2401 जो है वो 7 रेज टू 4 होता है. ठीक है, तो यहां पे सीधे सीधे आप 7 रेज टू 4 लिख सकते हो. अगर ये चीज पता नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन करके भी समझ सकते हो कि 2401 नंबर क्या है. ओके, सो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ 7 विथ बेस 7. तो आपको पता है ये तो आपका 1 हो गया, तो फाइनल आपका आंसर 4 आ गया. राइट, अभी हम दूसरे वाले को देखते हैं. सो दूसरा नंबर आपको दिया है कि b इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 7 विथ बेस 7. ओके, अच्छा, इंटू 343, रूट 7 इंटू 343 विथ बेस 7. अच्छा, अब ये रूट 7 इंटू 343 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं. दोस्तों रूट 7 मतलब 7 रेस टू 1 बाई 2, 343 इज 7 का क्यूब, सो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 7 रेस टू 3.5. ठीक है, तो यहां पे ये पूरा पार्ट हटा के मैं सीधा यहां पे लिख सकता हूं 7 रेस टू 3.5. करेक्ट, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3.5 आ जाएगा, बिकॉज लॉग ऑफ 7 विथ बेस 7 विल बी 1. सिमिलरली अगर आप सी को चेक करते हो, लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजिली. तो सी आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ 216 विथ बेस रूट 6. लॉग ऑफ 216, नाउ व्हाट इज 216, इट्स 6 क्यूब एंड बेस रूट 6, तो 6 रेज टू 1/2. तो इसको हम लिखेंगे 3, ये पावर आपकी आगे आ जाएगी तो 3 हो गई, ये पावर आगे डिनोमिनेटर में ले आओ तो 1/2 हो गया, इंटू लॉग ऑफ 6 विद बेस 6. ओके, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो बेसिकली ये रिजल्ट आपका 6 आ जाएगा. राइट, तो हमें तीन वैल्यूज मिल गए हैं अब तक. ठीक है, सो ए का वैल्यू हमारा हो गया 4, बी का वैल्यू हमारा हो गया था 3.5, सी का वैल्यू हमें मिल गया 6, तो डी का वैल्यू कितना आएगा देख के ही पता चल रहा है, 32 इज नथिंग बट 2 रेस टू 5, 5 आगे आ गया, तो ये वैल्यू तो आपका सीधा सीधा 5 हो जाएगा. तो सबसे छोटा आपका कौन सा नंबर हुआ, बी हुआ, फिर ए, फिर डी, फिर सी. सो बी ए डी सी, यू कैन टिक मार्क ऑप्शन डी. सो आई रियली होप आप सबने ये क्वेश्चन समझ लिया है. अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का, यूजिंग माई कोड chart10. तो उससे आपको मेंटरिंग भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगा और साथ में काफी सारी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी. हालांकि आप चाहो तो अपने खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर सेल्फ स्टडी में आपको काफी कंफ्यूजन हो रहा है, आपको थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी के कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हो और मेरे साथ में ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो. चलिए, तो ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लॉग ऑफ एन विथ बेस वाई इज इक्वल टू 5 एंड लॉग ऑफ 8n विथ बेस 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अब यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स इसको ट्रायल एंड एरर से भी करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन से कुछ वैल्यू रख दी और चेक करते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई करता है. तो अब वैसे भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा सोचो कौन सा लॉज ऑफ लॉगरिथम यहां पे अप्लाई करोगे. आप चाहो तो वीडियो को यहां पे एक बार पॉज भी कर सकते हो और फिर जैसे ही आपको कुछ क्लू मिला आप इसको प्ले करके आंसर वेरीफाई कर सकते हो. तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे बेसिक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था लॉग ऑफ एन विद बेस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम कह सकते हैं कि 5y raised to 5 इज इक्वल टू एन. ये हमें पहले मिल गया, मैंने लॉगरिथम एलिमिनेट कर दिया. सिमिलरली हमें एक और चीज दी गई है यहाँ पे कि लॉग ऑफ 8n विथ बेस 2y इज इक्वल टू 4, तो मैं कह सकता हूँ 2y whole raised to 4 इज इक्वल टू 8n. करेक्ट, अब यहां पे मैं इसको कह सकता हूं 2 raised to 4 इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू 8. 8 क्या है, 2 cube इंटू n. n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, वाई रेस टू 5 रख सकते हैं. सो वाई का वैल्यू यहां पे आ जाएगा 2. बहुत ही आसान है कि यहां पे वाई बचेगा, यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, सो वाई का वैल्यू 2 मिल गया.
ये वैल्यू को यहाँ पर रख दो, सो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 2 raised to 5, दैट इज 32. वी गॉट द आंसर. सो दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल ऑल्सो फाइंड इन कैट एग्जाम. सी कैट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या इससे आपको आपकी पढ़ाई करने में आपको मदद मिल रही है, और क्या आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोस रिलीज करूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताना.